जय हिंद साथियों, क्विक आईक्यू स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए नेवी, AASSR और एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए हम जनरल साइंस का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 37 क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें आप कितना स्कोर कर पाते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए आपका दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो इसका बताइएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। देखिए दोस्तों, इसमें जो है हर एक क्वेश्चन में आपका चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको 2 से 3 सेकेंड सोचने के लिए मिलेगा, और उसके बाद फिर हम बताएंगे इसका आंसर। तो चलिए, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहाँ बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपका कराया गया है और कोर्स भी कराया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप वहाँ जाकर देखें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए, सेकेंड क्वेश्चन आपका है, DDT की खोज किसने की थी। देखिए, जनरल साइंस ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एयर नेवी और एयरफोर्स के लिए DDT के। देखिए, इसमें जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो हम लिए हैं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो देखिए, इसका आंसर बताइएगा, DDT की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पॉल मूलर। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पॉल मूलर ने। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है, कौन है दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका पेंसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी। वही इसरो दोस्तों जो जिसने 2019 में अभी चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, वही इसरो की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी, 1969 यानी कि 1969 में आपका किया गया था, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी अप्सरा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, ट्रांबे में। ऑप्शन नंबर ए, ट्रांबे में है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे दोस्तों, हाइनीमैन थे, ऑप्शन नंबर ए, हाइनीमैन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी। देखिए, वही कल्पना चावला जिसने स्पेस में गया था, जो कल्पना चावला उसका जन्म कहाँ हुई थी बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, करनाल में। करनाल कहाँ है दोस्तों, ये कमेंट करके आप बताइएगा, ऐसे हम बता देते लेकिन आप इसका बताइएगा कि कहाँ है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था दोस्तों, जोसेफ लिस्टर ने। ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ लिस्टर ने। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया, कहाँ किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में किया गया। नेक्स्ट है, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की गई थी, किसे की गया था दोस्तों, अस्कर्ड से। ऑप्शन नंबर सी, अस्कर्ड से किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों, कल्पना चावला, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, करनाल में, अभी बताया है ना दोस्तों, इसको याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर बताइएगा, हरविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी, हरविंद खुराना। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, ह्यूडोजी ब्रिज ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी दोस्तों, विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है,
श्रीहरिकोटा कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बताइएगा, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? कहाँ किया था दोस्तों? पोखरण में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? देखिए कहाँ किया था, तो पोखरण में हो गया। देखिए आपका दोस्तों यहाँ जो है कहाँ किया था, तो आपका पोखरण में, और कब किया था इसका डेट आप बताइएगा, 18 मई 1974 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहला बहुद्वीय उपग्रह कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इंस्टेंट टू ए, ऑप्शन नंबर डी। ने है रडार, रडार का अर्थ क्या है बताइएगा दोस्तों? रडार का अर्थ क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका देखिए दोस्तों, हम पिछले वीडियो में इंग्लिश का जो क्लास किए थे उसमें हम आपका बताए थे, तो आप लोग बहुत देखिए, देखिए जो आपका फुल फॉर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह आपका क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1954 में, ऑप्शन नंबर डी, 1954। नेक्स्ट है, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। कहाँ है दोस्तों? गोवा में। नेक्स्ट है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? किसने की थी? रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किसने की थी? क्या है दोस्तों? वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखिए आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया है, बैंटिंग एवं बेस्ट ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। बताइएगा दोस्तों इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बैंटिंग एवं बेस्ट ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1990 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, 1990 में। नेक्स्ट है, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 2003 में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की परिषद की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर 1990 को। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हैजा के टीका की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी बताइएगा दोस्तों? लिवेन हॉक ने, ऑप्शन नंबर ए, लिवेन हॉक ने। नेक्स्ट है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1987 में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? क्रिश्चियन वनाड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था बताइएगा दोस्तों? ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 मई 1998 को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था कौन सा था दोस्तों? 36 क्वेश्चन है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक्स वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है और लास्ट है दोस्तों, कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? लुइस पाश्चर ने, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों आपके यहाँ 37 क्वेश्चन करा दिया गया है, इसमें आप बताइए कि आप कितना स्कोर किए हैं कमेंट करके, और अंत में बताइए कि आपका वीडियो ये कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है, प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो भी उनको भी आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है। तो दोस्तों क्यूक आईक्यू स्टडी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को
प्रेस कर दें ताकि और भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए आते रहे। जय हिंद, जय भारत।